الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق الله عزیز طلبہ اور برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ دین کا مدار قرآن کریم پر ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب نہیں اپنا کلام اتارا اور لوگوں کو ان کی روحانی تربیت کی راہ دکھائی کہ انسان کو اس دنیا میں اس طرح رہنا ہے تاکہ آنے والی زندگی اس کی کامیاب ہو۔ یہ قرآن کریم جس پر دین اسلام کا مدار ہے، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اللہ اور اللہ کی صفات، کلام بھی اللہ کی ایک صفت ہے اور جیسے اللہ کی ذات چینجیبل نہیں ہے، اسی طرح سے اللہ کی صفات میں بھی کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ اور قرآن کریم سے پہلے جو اللہ کی کتابیں نازل ہوئی تھی، کلام نازل نہیں ہوا، پہلے اللہ کی کتابیں نازل ہوئی اور لوگ کہتے ہیں کہ 103 کتابیں قرآن کریم سے پہلے نازل ہو چکی تھی، وہ سب اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھا۔ اس لیے لوگوں کے لیے ان کتابوں میں گڑبڑ کرنا ممکن ہوا، شدہ شدہ وہ کتابیں جب محرف ہو کر بڑھیا کا باغ بن گئی ایک بادشاہ کا باز تھا، باز ایک شکاری پرندہ گھوڑا تھا، وہ پہلے دوسرے پرندوں کو مار کر شکار کے لاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ باز بادشاہ کے یہاں سے اڑ گیا اور ایک بڑھیا کی جھونپڑی پر جا کر بن گیا، بیٹھ گیا، تو بڑھیا نے اس کو پکڑ لیا، پلا ہوا تو وہ تاری پکڑ لی
अब बुढ़िया ने देखा कि उसके पंखे उसके नाखून दोनों पैरों के नाखून यूं मुड़े हुए हैं, चोंच यूं मुड़ी हुई। तो बुढ़िया को बड़ा रहम आया कि बेचारा कैसे पकड़ता होगा, कैसे खाता होगा। तो कैंची लेकर के उसने सारे नाखून काट लिए, चोंच भी काट दिया। तो अब वो बास का रहा तो कबूतर बन गया। फिर बादशाह तो ढूंढ रहा था, बड़ा कीमती बादशाह, बादशाह तो ढूंढ रहा था। पता चला कि बुढ़िया के झोंपड़े पर बैठा था, उसने बुढ़िया ने पकड़ लिया है। वो पुलिस वाले गए और उस बास को वापस लाए, तो देखा कि बुढ़िया के बास की सारी शक्ल ही बिगड़ गई। उसके पैरों पैरों के जो पंजे हैं उसी से जो शिकार पकड़ता है, वो सफा कटिक कर दिए, पांच भी चढ़ी थी उसको ठीक कर दी। तो बादशाह ने कहा जो ना अहल के यहां जाता है उसका यह हाल होता है। तो पिछली किताबें तहरीफ हुई, कंप्लीटली नहीं बदली गई, उसके अहम अज्जा जो गड़बड़ कर दिए गए और पिछली किताब में बुढ़िया का बात बन गई। अब वो अल्लाह के दीन की रहनुमाई के लिए काफी नहीं रही, तो अगली किताब नाजरी होती थी, फिर अगली किताब नाजरी होती थी। यहां तक के खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, पर आपका लाया हुआ दीन कयामत की सुबह तक चलेगा, इंसानों की रहनुमाई के लिए अभी दीन चलेगा। पर जब इसी दीन को आगे करना है तो अब अल्लाह की जो किताब इंसानों की हिदायत के लिए आएगी उस किताब को बाकी रहना चाहिए, उसमें कोई तब्दीली मुमकिन न होनी चाहिए। इसलिए अल्लाह ने बजाय किताब के अपना कलाम नाजिल किया, पर अल्लाह के कलाम में तब्दीली मुमकिन नहीं, वो अल्लाह की सिफत है। यूं कुरान करीम हर्फ बहर्फ आज 15वीं सदी तक तो महफूज है, इंशाअल्लाह कयामत तक महफूज है। दीन दीन इस्लाम का सारा मदार इस पर है। मेरे अजीजों आपको अच्छी तरह समझो, ये सबक है। भाई तुम्हारा लाउड स्पीकर ठीक से काम ऐसे गिर गया। ये सबक है, वाद नहीं। इसलिए जो बातें मैं हल कर रहा हूं उसे खूब समझो, दिमाग में माफूल रहे। दूसरी बात, दीन का सारा मदार कुरान करीम पर है, और कॉमन सेंस से हम ये बात जानते हैं कि कयामत तक के तमाम मसाइल डिटेल के साथ कुरान करीम में नहीं हो सकते, वरना कुरान करीम कितनी बड़ी किताब हो जाएगी। फिर कुरान करीम की जो हिफाजत की अल्लाह ने जिम्मेदारी ली है उसे हिफ्ज करने के जरिए ली है। आलम असबाब में कुरान की हिफाजत हाफिजों के जरिए हो, गुजिश्ता किताबें हिफ्ज नहीं की जाती थी, क्यों? उन्हें महफूज नहीं रहना था। और कुरान को महफूज रहना है तो उसका पहले ही दिन से उसका हिफ्ज शुरू हो। और जिस आयत करीमा में अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा किया है उसमें इशारतुन नस से इशारा किया है कि आलम असबाब में कुरान की हिफाजत हाफिजों के जरिए होगी। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून। हाफिज़ून हाफिज की जवाब, कुरान के बहुत हाफिज होंगे, अनगिनत जिनको कोई गिन भी न सके। और किसी हाफिज के माथे पर लिखा नहीं है कि हाफिज, तो दुनिया की कोई ताकत कुरान को मिटाना चाहे तो छपे हुए कुरान मिटा सकती।
छपे हुए कुरान गलत छाप सकती है, छपे हुए कुरान खत्म कर सकती है, लेकिन जो कुरान सीनों में है और माथे पर लिखा है नहीं कि ये हाफिज ये हाफिज ये हाफिज, तो कोई कुरान को मिटाना चाहे तो कैसे मिटा दे। तो हाफिजों के हिफ्ज के जरिए से कुरान की हिफाजत की गई। अब अगर कुरान में सारे मसाइल डिटेल के साथ होते तो कितना बड़ा कुरान हो जाता, और उनको याद करने वाले हिफ्ज करने वाले कैसे याद करते, ये नामुमकिन था। बस दीन का मदार कुरान पर, कुरान को कयामत तक रहना है, कुरान की हिफाजत हाफिजों से हो, और बस कुरान में सारे मसाइल डिटेल के साथ नहीं हो सकते। कुछ मसाइल कुरान करीम में उसूली हैसियत से होंगे, फिर उस प्रिंसिपल के तौर पर होंगे, फिर उस उसूल की तबीन और तशरीह आगे दूसरे जराये से की जाएगी, जिनको हिफ्ज नहीं करना, हिफ्ज इस उसूल को करना, टैक्स को हिफ्ज करना। इसलिए उसकी शक्ल ये अल्लाह ने तजवीज फरमाई कि कुरान करीम में दीन के उसूल मजबूत हैं और उसकी तबीन और तशरीह सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने की, फिर उसके बाद मुज्तहिदीन उम्मत ने की, और कयामत की सुबह तक जब जब कोई नया मसला आए तो मुज्तहिदीन उम्मत कुरान और सुन्नत को सामने रखकर उसके आसाम मुरतब करते रहे। ये तरीका इख्तियार किया गया। मेरे अजीजों तीसरी बात सुनो, कुरान करीम में अगर दीन के उसूल बयान किए जाते हैं तो कुरान करीम किताब दावत भी, और सिर्फ मुसलमानों के लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ है, तमाम इंसानों के लिए कुरान नाजिल हुआ है, छोटा बड़ा शहरी देहाती मुस्लिम गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा बेपढ़ा सबको कुरान पढ़ना, और कुरान किताब दावत है, और उसूल प्रिंसिपल इसको हर आदमी नहीं समझ सकता, इसको तो लॉयर समझते हैं, फिका के उसूल जो फुकाहा समझते हैं, मुफ्तियाने किराम समझते हैं, हरेक व्यवस्था नहीं। अब अजीब मसला हो गया, कुरान में उसूल लेने और उसूल समझना हरेक के बस का नहीं। तो कुरान में तरीका ये इख्तियार किया गया है कि जुज़ियात बयान किए गए हैं और उनके पेट में उसूल है, बस आए जुज़ियात है। मिसाल लो, حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم, तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएं और तुम्हारी बेटियां। इसको समझने में क्या दुश्वारी है? कोई भी इंसान पढ़ेगा समझ जाएगा कि माएं हराम बेटियां हराम, और इस जुजियात जुजी के जिन्न में कुल्ली है, तुम्हारी माएं यानी तुम्हारे मुजक्कर और मुअन्नस उसूल, तुम्हारी बेटियां यानी तुम्हारे मुजक्कर और मुअन्नस कुरू। अब ये कायदा कुल्लिया इसमें से निकला है, इसको हर आदमी थोड़ी समझ सकता है। एक मर्द है तो इसके जितने मुअन्नस कुरू हैं, मां दादी नानी ऊपर तक चले जाओ सब हराम। एक औरत है तो उसका बाप दादा नाना ऊपर तक हराम, मुजक्कर और मुअन्नस उसूल हराम। एक औरत है उसका बेटा पोता नवासा नीचे तक हराम, एक मर्द है उसकी बेटी पोती नवासी नीचे तक हराम। ये है मुजक्कर और मुअन्नस कुरू हराम, मुजक्कर और मुअन्नस उसूल हराम,
ये कायदा कुल्लिया इसी में से निकला है, इसी आयत में से निकला है। और आयत एक जुज़ी है, हराम की गई तुम पर तुम्हारी माएं और हराम की गई तुम पर तुम्हारी बेटियां, जुज़ी है। और जुज़ी में उसको असले कुल्ली कायदा कुल्लिया छुपा हुआ है। अब ये जो कायदा कुल्लिया छुपे हुए हैं इनको खोलना पड़ेगा, खोले बगैर समझ में नहीं आएंगे। उनको सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खोला अपने जमाने की जरूरत के बकदर। फिर जो जो जमाना आगे बढ़ता गया, हर जमाने के मुफ्तिया ने कहरा उन जुजियों उसूल को खोलते गए और क़यामत तक खुलते रहे। अगर ये उसूल कुरान में बयान कर दे तो कुरान को कोई समझता नहीं। और कुरान जहां किताब शरीयत है, किताब दावत भी है, और सिर्फ मुसलमानों को नहीं पढ़नी, काफिरों को भी पढ़नी। लिहाजा कुरान ऐसे सादे अंदाज में होना चाहिए कि जिसको अपने शब्द पढ़ सके, और उस सादे कुरान में सब कुछ होना चाहिए। तो जुज़ियात के पेट में उसूल छुपाए गए और फिर उन उसूल की तबीन और तशरीह की सबसे पहले अल्लाह के रसूल ने। फिर जमाना आगे बढ़ा तो उम्मत के मुज्तहिदीन उसकी तबीन और तशरीह करते चले गए। कुरान के सबसे पहले शारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ो पर, जब जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र आए तो दुरूद पढ़ना चाहिए। सिर्रन पढ़ना अफजल है, लेकिन जरा जोर से पढ़ो तो मोहतरम साहब सोए हुए हैं तो वो भी जब कर उठ जाए और वो भी पढ़ने लगे। तो कुरान करीम के सबसे पहले शारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह के रसूल ने जो कुरान की तबीन और तशरीह की है वो मिन इंद नफ्स ही, अपनी तरफ से नहीं की। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा। नबी जो कुरान पेश कर रहा है वो भी अल्लाह की तरफ से वही आता है, और नबी जो कुरान का एक्सप्लेनेशन करता है वो भी अल्लाह की तरफ से वही आता है। वही के जरिए से तबीन और तशरीह करता है नबी। कुरान में है ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिह इन्ना अलैना जमअहू व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि' कुरआना ثم ان علينا بيانا। अल्लाह ने फरमाया जब हमारे को जिब्रील कुरान आपको पढ़कर सुनाए तो आप उनके साथ न पढ़े, गौर से सुने। फिर जो कुरान हमने जिब्रील के वास्ते से नाजिल किया उसका खोलना हमारे जिम्मे है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उसका खोलना हमारे जिम्मे है। ये जो अल्लाह ने कुरान भी अल्लाह ने नाजिल किया हजरत जिब्रील के वास्ते से, फिर उसका उसको खोला भी अल्लाह ही ने, नबी के दिल पर कल्ब पर उसका मफहूम नाजिल किया बगैर जिब्रील के वास्ते। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कुरान की दो तरह की तफसीरें की। एक तफसीर तो वो है जो मुज्तहिदीन उम्मत भी कर सकते हैं, और एक तफसीर वो की है जो मुज्तहिदीन उम्मत के बस की नहीं है। अल्लाह का रसूल ही कर सकता है, और अल्लाह का रसूल कहां से करेगा? अल्लाह की तरफ से कल्ब नबूवत पर वो तफसीर नाजिल हुई, हुजूर ने की। मिसाल लो, यही आयत जो मैंने पढ़ी थी हुर्रिमत अलैकुम महातुकुम व बनातुकुम, इसी में आगे जाकर है वअन तजमउ बैनल उख्तैन, निकाह में दो बहनों को जमा करना जायज नहीं, दो बहनों को निकाह करना जायज नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कि फूफी भतीजी को भी निकाह में जमा करना जायज नहीं, खाला भांजी को भी निकाह में जमा करना जायज नहीं। ये उसी आयत को आगे बढ़ाया, फिर फोकाहा आए तो उन्होंने कायदा कुल्लिया बनाया कि हर वो दो औरतें जिनमें से एक को मर्द फर्ज करें तो दूसरी से हमेशा के लिए उसको निकाह हराम हो, ऐसी दो औरतों को निकाह में जमा करना जायज नहीं। ये कायदा कुल्लिया तो बनाया, लेकिन इस कायदा कुल्लिया के इन दो जुजिया से आगे कोई जुजिया मिसाल है ही नहीं। दो बहनों को निकाह में जमा मत करो, खूफी भतीजे को मत करो, खाला भांजी को मत करो, वो कायदा कुल्लिया के अपराध यही है। तो ये फोकहा ने कायदा बनाया है तो वो कायदा तो इसी अंतरुखन के अंदर था, वो कायदा निकाला। हुजूर ने कायदा निकालने के बजाय उस कायदे के जितने उस कायदा कुल्लिया के जो जुजिया थे सारे जुजिया बयान कर दिए। क्यों? जहां कुरान को सब पढ़ेंगे हदीसों को भी सब पढ़ेंगे, इसे हदीसों में भी कवायदे कुल्लिया नहीं आते, कवायदे कुल्लिया फिका में आते, क्योंकि फिका को तालिब इलम भी पढ़ेंगे सब नहीं पढ़ेंगे। बहरहाल ये तबीन और तशरीह तो ऐसी है कि मुज्तहिदीन भी कर सकते हैं, हुजूर ने वो तबीन और तशरीह की। फोकाहा ने इसी आयत में से यह कायदा बनाया कुल्ली, हुजूर ने कायदा बनाने के बजाय हुजूर ने कायदा बनाने के बजाय उस कायदा कुल्लिया के जितने जुजिया थे वो सब बयान कर कि खाला भांजी को जमा नहीं कर सकते, पूरी भतीजी को जमा नहीं कर सकते। और एक तबीन और तशरीह हुजूर ने वो की है जो मुज्तहिदीन नहीं कर सकते, वो अल्लाह का रसूल ही कर सकता है। अल्लाह का रसूल क्यों कर सकता है? उसका कॉन्टैक्ट है अल्लाह से, और कुरान की तबीन और तशरीह नबी के कल्ब पर अल्लाह की तरफ से वारिद होती है। इसी आयत में है कि तुम पर सात रिश्ते हराम किए गए, माएं, बेटियां, खालाएं, खुफियां, भांजियां, भतीजियां, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खालातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त। छह रिश्ते हराम किए गए, सात रिश्ते, माएं, बेटियां, फूफियां, खालाएं, बहने रह गई, साथ क्यों नहीं हो रहे? माएं, बेटियां, बहने, फूफियां, खालाएं और भतीजिया और भांजियां, ये सात रिश्ते हराम किए। फिर फरमाया कि दूध पीने से दो रिश्ते हराम किए, रजाई मां और रजाई बहने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया जो आला दर्जे की सही हदीस है, हुर्रिमा मिनर रबा हुर्रिमा मिनर नसब, दूध पीने से भी वो सातों रिश्ते हराम होते हैं जो नसब की वजह से हराम होते हैं, वो सातों हराम होते हैं। और कुरान में तो दो का जिक्र है, फॉर एग्जाम्पल है। अब ये बात की फॉर एग्जाम्पल दो रिश्तों का जिक्र है, वरना दूध पीने से भी सातों रिश्ते हराम होते हैं ये अल्लाह का रसूल ही बयान कर सकता है, दूसरा मुज्तहिदीन नहीं बयान कर सकते। और अल्लाह का रसूल भी इसलिए बयान कर करता है कि अल्लाह के रसूल का रब्ता है, वही के जरिए से वो तबीन और तशरीह करता है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने उसका मतलब नबी को समझाया। तो एक तफसीर तो नबी ऐसी करता है जो मुज्तहिदीन नहीं कर सकते, और एक वो तफसीर नबी करते हैं जो आगे उम्मत के मुज्तहिदीन भी वो कर सकते हैं। बहरहाल
सबसे पहले कुरान की तबीयत और तशरीह अल्लाह के रसूल ने की। अब बात यहां तक पहुंची कि कुरान हुज्जत है, क्यों अल्लाह का कलाम है, पर नाजी ही इसलिए हुआ है कि लोगों को ये अल्लाह जन्नत का रास्ता दिखला है। पर जैसे कुरान हुज्जत है, हदीसें भी हुज्जत है, क्योंकि हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से एक्सपेरिमेंट किया है, आयात ही से आकर बयान किए हैं, लिहाजा हदीसें भी हुज्जत है, क्योंकि हदीसें हुजूर की तरफ से, हुजूर की तरफ से नहीं है, वो भी अल्लाह की तरफ से हदीसें हुज्जत है। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जमाने की जरूरियात तक कुरान की वजाहत करते थे, या आइंदा जमाने की ऐसी बातें बयान फरमाते थे कि जो मुज्तहिदीन उम्मत नहीं बयान कर सके, और जो जमाना अभी आया नहीं उसके मसाइल हुजूर भी बयान करते थे। जैसे हुजूर के जमाने में नेशनल गवर्नमेंट कायम हुई थी, वन नेशन, सिर्फ मुसलमानों पर, जजीरतुल अरब पर हुकूमत कायम की, वन नेशन गवर्नमेंट थी, तो हुजूर ने उसके अहकाम बयान किए। इंटरनेशनल गवर्नमेंट हुजूर के जमाने में कायम नहीं हुई थी, और मल्टी नेशन भी इस्लामी हुकूमत में जमा नहीं हुए, ये खुलफाए राशिदीन के दौर में जाकर जमा हुए। हुकूमत फैली और इस्लामी हुकूमत में मुसलमान, यहूद, नसारा, मुशरिक, मजूस सब सिटीजन। अब जब इंटरनेशनल गवर्नमेंट कायम हुई तो उसके अहकाम बयान करने पड़ेंगे, कौन बयान करे? तो हुजूर ने फरमाया मेरी सुन्नत मजबूत पकड़ो और मेरे बाद जो मेरे जानशीन खुलफा आए उनकी सुन्नत मजबूत पकड़ो, अगरचे उनके ऊपर वही नहीं आती मगर वो हिदायत माब है, राह याब है, या तो उनकी सुन्नत दांतों से मजबूत पकड़ी। ये भी बतलाना है कि आइंदा जमाने के मसाइल हुजूर ने नहीं बयान किए, जैसे कुरान करीम का हिफ्ज बहुत मुश्किल है, ऐसे हदीसें भी हिफ्ज की जाती थी, लिखी नहीं जाती थी। तो अगर कयामत तक की सारी बातें हुजूर बयान कर देंगे तो कितनी हदीसें हो जाएंगे, और साहबा उन हदीसों को हिफ्ज कैसे करें? हाँ, फ्यूचर की वो बातें जो अल्लाह का नबी ही बता सकता है, दूसरे नहीं बता सकते, जैसे अलामात कयामत, कौन मुज्तहिद बयान कर देगा? या जैसे मलाहिन, मुसलमानों का गैर मुस्लिमों के साथ जो बड़ी बड़ी और जंगें होंगी, इसमें कुश्तों के कुश्ते लग जाएंगे, इसको अल्लाह के नबी के अलावा कौन बयान कर सकता है? पर अल्लाह का नबी भी नहीं बयान कर सकता, अल्लाह का नबी भी आलिमुल गैब नहीं है, फ्यूचर की बातें अल्लाह का नबी भी नहीं जानता, मगर अल्लाह के नबी का तो कॉन्ट्रास्ट है अल्लाह के साथ, तो अल्लाह के वही के जरिए से ये बातें नबी बयान करता है, कयामत की ये अलामतें हैं, आगे मुसलमानों का गैरों के साथ ये झगड़े होंगे, लड़ाइयां होंगी, ये फितने आएंगे, तो फितनों की हदीसें हैं, अशरात उसा की हदीसें हैं, मलाहिम की हदीसें हैं, ये सब फ्यूचर की हदीसें हैं, वो नबी ही बयान कर सकता है, और नबी भी अल्लाह ताला के वही मानवी के जरिए से बयान करेगा, मुज्तहिदीन ये मजामिन नहीं बयान कर सकते। इसलिए हदीसों में हुजूर के जमाने तक के जो मसाइल की जरूरत है उसकी तबीन हुजूर ने की, इंटरनेशनल गवर्नमेंट के मसाइल खुलफाए राशिदीन बयान करें, और फ्यूचर की वो बातें जो मुज्तहिदीन नहीं बयान कर सकते वो हक बयान की। ये जो मजमू है इसी का नाम हदीस है,
और जो कुरान हुज्जत है तो हदीसें भी हुज्जत है। मेरे अजीजों आगे बढ़ो, अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए, जमाना आगे बढ़ा, जमाने की नई नई जरूरतें सामने आई, तो उन नए मसाइल के अहकाम मुज्तहिदीन उम्मत ने कुरान और सुन्नत में से निकाले, अपने घर से नहीं कहा। अल्लाह के रसूल ने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, जो कुछ उसने बयान किया है वो अल्लाह की वही से बयान किया है, चाहे वही जली हो या कभी हो। आगे जो मुज्तहिदीन ने उम्मत ने जो कुछ जमाना आगे बढ़ा, नई नई बातें पेश आई, उनके अहकाम मुज्तहिदीन ने उम्मत ने कुरान और हदीस में से निकाले, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। फिर ये जो निकाले उनमें बाद में तो मुज्तहिदीन की यूनिटी होगी, सब मुज्तहिदीन मुत्तफिक, और बाद में मुज्तहिदीन की राय अलग होगी, एक मुज्तहिद यूं कहता है दूसरा मुज्तहिद यूं कहता है। जाहिर है कि जिस मसले पर तमाम मुज्तहिदीन का इजमा हो गया है उसकी अहमियत ज्यादा होगी, और जिस मसले में उम्मत की मुज्तहिदीन की राय अलग अलग हो गई है उसका नंबर दूसरा हो जाए। इसलिए तीसरे नंबर पर हुज्जत इजमाए उम्मत, और उम्मत में अव्वलीन मुज्तहिदीन सहाबा है, फिर ताबेईन, फिर तबे ताबेईन, इसी तरह से चल रहे हैं, आज भी मुज्तहिदीन हैं। आज नई नई बातें निकलती हैं, आपने सवाल भेजा दारुलिफ्ता को, उन्होंने ऊंधा सीधा कोई ना कोई जवाब लिख दिया, इनकार नहीं किया कि फिका की किताबों में ये मसला नहीं है, कोई इनकार नहीं करता, जवाब लिखते है। गलत होता है फिर थोड़े दिनों के बाद सही हो जाता है, तो इश्तिहाद का दरवाजा चल रहा है, नए मसाइल में इश्तिहाद का दरवाजा चल रहा है। मुझे तो ये बताना है कि ये जो यूनिटी हो गई, इजमाए उम्मत हो गया, उसकी अहमियत हदीसों के बाद नंबर तीन है, और आप हदीस है सुन्नत और उसके बाद इजमाए उम्मत। फिर ये जो मुज्तहिदीन में मसाइल में इख्तिलाफात हुए हैं ये भी हुज्जत है, और इसका भी जिक्र सूरह नहल में है, मगर वो नंबर चार है। लेकिन ये दो तो मानने, कुरान के बाद सुन्नत और इजमा को तो मानना ही पड़ेगा। बस अब मसाजिद तीन आए, कुरान टेक्स्ट मतन, हदीसें एक्सप्लेनेशन शरा, और फिका दोनों का खुलासा और निचोड़। यू तीन चीजें वजूद में आ गई जो तीन अलग अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। कुरान उसकी वजह तबीन और तशरी हदीसें, और दोनों का निचोड़ और खुलासा फिका, तीन चीजें यूं वजूद में आ गई। अब मेरे अजीज समझो, कुरान करीम में तो कोई तब्दीली मुमकिन नहीं, क्योंकि अल्लाह का कलाम है। हदीसों में गड़बड़ मुमकिन नहीं, क्योंकि हदीसों का मजमून तो अल्लाह के यहां से आया है, लेकिन अल्फाज हुजूर के, जब हुजूर के अल्फाज हैं तो इसमें गड़बड़ मुमकिन है, और लोगों ने गड़बड़े की, हदीसें गड़ गड़ करके हदीसों में घुसाई। अगरचे अकाबिर मुहद्दिसीन ने दूध का दूध पानी का पानी अलग कर दिया, गूंधे हुए आटे में से बाल खींच निकालते हैं, इस तरह से मौजू हदीसों को अलग कर दिया, लेकिन इतना तो साबित हुआ ना कि हदीसों में गड़बड़, इंसान हदीसों में गड़बड़ कर सकता है, मगर इससे कोई जरर नहीं पहुंचने, क्योंकि जब टेक्स्ट मतन मौजूद है तो हदीसों को मतन से मिलाओ, अकॉर्डिंग करो, तो भी पता चल जाएगा ये सही हदीस है, गढ़ने वालों ने गढ़ी। फिर हदीसों के बाद जो फिका मुरतब हुई उसमें भी गड़बड़ हो सकती, जब हदीसों में गड़बड़ हो सकती तो फिका में क्यों गड़बड़ नहीं हो सकती। लिहाजा दो बातें जरूरी,
कुरान पढ़ना भी जरूरी है, हदीसें पढ़नी भी जरूरी है, फिता पढ़नी भी जरूरी है। तो कोई चाहे कि मैं सिर्फ कुरान पढ़ूंगा, हस बना किताबुल्ला, हम और कुछ नहीं पढ़ते, जैसे मुमकिली ने हदीस कहते हैं दिस इज ए रॉन्ग। अरे ये तो मतन है, इसके समझने के लिए तुझे हदीसें देनी है, तुम्हें पढ़नी है। और अगर कोई कहे कि बस कुरान और हदीस, हम अहले हदीस हैं, आगे कुछ नहीं, दिस इज रॉन्ग, आगे जो फेता है दोनों का खुलासा और समरी है, निचोड़ है, उस निचोड़ को पढ़ेगा तो कुरान और हदीस समझ में आएंगे, और अगर उस समरी को नहीं पढ़ेगा तो कुरान और हदीस समझने में भी दूसरे गलती हो जाए। एक तो ये बात जरूरी है, और जैसे कुरान पढ़ना जरूरी है, हदीसें पढ़ना भी जरूरी है, फेता पढ़ना भी जरूरी है। दूसरी बात, फिका को कुरान और सुन्नत के मुताबिक करो। तो जो फिका में रीत रिवाज और जमाने के तकाजों के मुताबिक मसले बढ़ गए हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक मसले नहीं है, उनको लपेट करो दो। और हदीसें जब पढ़ी कुरान से मिला करो तो समझ में आया कि हदीस गड़बड़ है, इनको हटाओ। मेरे अजीजो, हमारी फिका में कुछ मसाइल ऐसे हैं, हमारी हनफी फिका में भी है और शवाफे की फिका में तो हमसे ज्यादा है। बिदआत और खुराफात हनफिया की निस्बत शवाफे में ज्यादा है। वो सब बिदआत और खुराफात कहां से आई, ये फिका की किताबों में से आई। उनमें ऐसे जुजियात लिख दिए जो कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो उलमाए देवबंद ने फिका के उन जुजियात को लपेट कर रख दिया, उसमें फतवा नहीं, अमल नहीं। जैसे फिका की किताबों में लिखा है कि तस्वीर मुस्तहसन है, अजान दो फिर नमाज शुरू होने से 5 मिनट पहले फिर ऐलान करो। तस्वीर सुन्नत है, गुस्सा पसंदीदा है, इफ़्तिख़ार में लिखा है। तिर्मिज़ी में हदीस है, इब्न मसूद इब्न उमर एक मस्जिद में गए, वहां मुअज़्ज़िन ने फिर ऐलान किया नमाज के करीब, इब्न उमर ने कहा उख़रुज बिना मिन्हा मिन इंद हाज़ल मुब्तदी, कहां विदेशियों के मस्जिद में ले आए मुझे। इब्न उमर नामीना हो गए थे, ऐसे कहा मुझे विद्यार्थियों की मस्जिद में ले आए, चल निकलो यहां से। और हजरत ने नमाज नहीं पढ़ी। अब तिर्मिज़ी ने ये इब्न उमर का अच्छे सा नहीं है, उलमाए देवबंद ने कहा फिसा का एतबार नहीं, हदीस में यह आया है, लिहाजा अजान अजान बस, उसके बाद कोई दूसरे ऐलान की जरूरत नहीं। ये मैंने मिसाल दी कि फिसा में एक बार जुजियात ऐसे आ गए हैं, वो जुजियात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, कुरान और सुन्नत पढ़ोगे तो अभी तो फैसला करोगे। देखो कुरून मुतवस्सिता में आज से 100 साल से पहले हिंदुस्तान में क्या बल्कि दुनिया के बेहतर ममालिक में हदीस पढ़ी ही नहीं जाती थी, फिक्र हनफी पढ़े जाते थे, और फिता में जो लिखा जा रहा है लिखा गया है वो लोगों में राइज हुआ, और आज भी बरेलियों में वो सब बातें चलती है, वो भी हमती है। लेकिन 100 साल से हदीस पढ़नी शुरू की उलमाए देवबंद ने, देवबंद के क्याम के साथ हदीस का और बड़ा एहतमाम हदीस के पढ़ने का, तो फिता में जो ऐसी जुजियात थी वो सब लपेट कर रख दी, इन पर अमल नहीं, लपेट कर रख दी। तो फिता को कुरान और सुन्नत से मिलाना है, आप मिलाएंगे तो ही पता चलेगा कि फिका के कौन से मसाइल जो जमाने के एतबार से एक आम बात है, तो एक मुफ्ती किताब में लिख डाले, ये कुरान और सुन्नत से मुताबिक है या नहीं, ये जानना जरूरी। तो फिका के लिए कुरान और सुन्नत जरूरी, और सुन्नत के लिए कुरान जरूरी। कुरान को जब तक है वो हदीसों को जब तक कुरान के साथ नहीं मिलाओगे, कौन सी हदीस सही है, कौन सी हदीस गड़बड़ है,
कैसे अलग करो? एक गधे में हदीस घड़ी कि जब अल्लाह ताला ने अपने आप को पैदा करने का इरादा किया, अल्लाह ताला ने अपने आप को पैदा करने का इरादा किया तो पहले घोड़ा पैदा किया, अभी अल्लाह नहीं पैदा हो रहा, घोड़ा पैदा किया, घोड़े को खूब भगाया, उसका जो पसीना आया वो शीशी में जमा किया, उससे अल्लाह ने अपने आप को पैदा किया। ये हदीसों में है, हुजूर के नाम से भी याद किया। तो अब इसको हम फैसला कैसे, चाहे कितनी ही मजबूत समझ ले आए, गलत हदीस है कुरान के खिलाफ। बहरहाल सूरह निसा की आयत 115 है जो मैंने पढ़ी थी, वमई युशाक रसूल, जो रसूल के अगेंस्ट चलता है, मुखालिफत करता है, मिन बाद मा तबैन लहुल हुदा, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है, इसका मतलब ये है कि वो मानता है कि हुजूर अल्लाह के मैसेंजर हैं, अल्लाह का पैगाम हुजूर ने पहुंचाया है, फिर भी हुजूर ने जो पैगाम पहुंचाया हदीसों में उसको नहीं मानता, जैसे फिरका अहले कुरान नहीं मानता, फिरके अहले कुरान हदीसों को नहीं मानता कुरान, और मोहम्मद रसूलुल्लाह वो भी पढ़ रहा, तो जब वो मैसेंजर हैं तो उन्होंने जो मैसेज पहुंचाया है वो तो सब कुरान ही नहीं है, कुरान के अलावा भी मैसेज पहुंचाया है। तो जो शख्स नबी की मुखालिफत करता है हिदायत वाज़े होने के बाद, वो यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, और चलता है मोमिनीन के रास्ते के अलावा, यानी इजमाए उम्मत को नहीं मानता। हजरत इमाम शाफई अलैहिर्रहमान ने अल रिसाला में इसी आय से इजमाए उम्मत के हुज्जत होने पर इस्तदलाल किया, इजमाए उम्मत को नहीं मानता। जैसे सलफी गैर मुकल्लिदीन असहाबे जवाहिर ये सब एक ही के नाम है, सलफी कह लो असहाबे जवाहिर कह लो गैर मुकल्लिदीन कह लो, वो इजमाए उम्मत को नहीं मानते। हजरत उमर के जमाने में 20 रकात तरावी तमाम सहाबा के इजमा से शुरू हुई, वो नहीं मानते, वो बिदअत उमरी। हजरत उस्मान के जमाने में जुमा की एक अजान बढ़ी, वो कहते नहीं, बिदअत उस्मानी, हालांकि उसमें सहाबा का इजमा है मगर वो इजमा नहीं मानते। और नाचना नहीं आंगन टेढ़ा, एक रंडी को शादी में नाचने के लिए बुलाया, किसी वजह से उसे नहीं नाचना, क्या कहते तुम्हारा आंगन टेढ़ा है, इसमें नाचा नहीं जा सकता। तो ये गैर मुकल्लिदीन जो इजमाए उम्मत को हुज्जत नहीं मानते, अब ये मुंह से कह तो नहीं सकते कि इजमाए उम्मत हुज्जत नहीं है, उन्हें मुसलमान उनके मुंह पे थूकते नहीं। तो उनका एक बहुत बड़ा आलिम गुजरा है नवाब नूरुल हसन, नवाब सिद्दीक हसन खान के लड़के हैं, और उनकी किताब है अल अरफुल जादी, जाफरान की खुशबू, और वो उनकी फिका की किताब है अरबी में है, उसके शुरू में 5 सफ़े का फारसी में मुकदमा है। उस मुकदमे में क्या कहा, हम इजमा को हुज्जत मानते हैं बशर्ते कि इजमा कतई हो, तो हम हुज्जत मानते हैं, जन्नी इजमा को हम नहीं मानते। सोचो मेरे भाइयों, इजमा कतई कैसे होगा? एक ही सूरत है कि इजमा का तज़किरा कुरान में हो तो कतई, इजमा का तज़किरा कुरान में कहां से होगा? मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का तज़किरा तो तौरात में है,
तो हजरत जो मूसा अलैहि सलाम पर उतरी है उसमें मूसा अलैहि सलाम के कब्र का भी जिक्र है। ये दलील है कि तौरात सही नहीं रही, लेकिन मूसा अलैहि सलाम के कब्र का जिक्र तौरात में कहां से आ गया? तो इज्मा का तज़किरा कुरान में कहां से आया? और इसके अलावा इज्मा के कतई होने की कोई सूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि अखबार आहाद मुफीद ज़न है और हुज्जत है। तो जब खबरें वाहिद जो मुफीद ज़न है और हुज्जत है, तो अगर इज्माए उम्मत खबरें वाहिद से नकल होकर आए तो वो हुज्जत क्यों नहीं? मगर नाचना नहीं आंगन टेढ़ा, कहा कतई इज्मा होगा तो हम मानेंगे, जन्नी इज्मा नहीं मानेंगे। सीधी सी बात यह वो इज्मा को ही नहीं मानते। और हजरत इमाम शाफी अली रहमान ने इसी आयत से इस्तदलाल किया है कि जो मोमिनीन के रास्ते के अलावा रास्ते पर चलता है, इन दोनों के बारे में हमें युशाफे तो रसूल अलिमा तबई अनुदा वही तभी गैर सभी मोमिनीन दोनों के बारे में फरमाया नोवंदी ही मातवंदा, तो जिधर जा रहा है हम जान देंगे। जा कहां तक, कहां जाएगा? आएगा तो हमारे पास, हम जानने में पहुंचेंगे। मनुष्य लिए जहन्नम साथ मसीरा, जहन्नम बहुत बुरी लौटने की जगह है। इस आयत करीमा से हदीसों की हुज्जियत और इजमाए उम्मत की हुज्जियत साबित हुई। अब उसके बाद जो मुज्तहिदीन में जो इख्तिलाफी मसाइल रह गए उनके बारे में नस नहीं जिक्र कि उनका मानना जरूरी है, क्योंकि किसकी राय मानेंगे? इमाम अबू हनीफा की राय मानेंगे, इमाम शाफी की राय मानेंगे, इमाम मालिक की राय मानेंगे? मुज्तहिदीन तो 300 गुजरे हैं, तो इन 300 में से किसका नाम कुरान में लिया जाएगा? इसलिए उसको छोड़ ही दिया, भला आल लहू ये तफक करूं के जेल में उसको रहने दिया। मगर ये दो तो मानने हैं, हदीसों को हुज्जत मानना है, इजमाए उम्मत को हुज्जत मानना है। मेरे अजीजो, दारुल देवबंद ने जब इहयाए सुन्नत और इन्हाए बिदअत का काम शुरू किया तो बरेली और बदायूं के उलमा ने मुखालिफत शुरू की और उन्होंने तमाम बिदआत और खुराफात को साबित किया। कहां से? तफसीरों से। निहायत ज़ईफ या मौज़ू हदीसों से या फिक़ा के जुज़िया से। अहमद रज़ा खान का फतावा जुज़िया पढ़ो, हर बिदअत को वो दलील से साबित करेगा। वो दलील कहां से लाएगा? तफसीरों में से लाएगा। सावी में लिखा है हुजूर आलिमुल गैब थे, हो गया हुजूर आलिमुल गैब बन गए। और हदीसें लाएगा वो जो मौजू है, जैसे पगड़ी बांध कर नमाज पढ़ोगे, पढ़ाओगे नहीं, पढ़ोगे तो 25 गुना सवाब मिलेगा। ये मौजू हदीस। अब लोग इमाम के लिए लाजिम एक चीथड़ा मिंबर पर रखते हैं और लपेट कर नमाज पढ़ाए उस हदीस। अरे वो उस हदीस पर अमल करना तो सब पगड़ी बांधो। ये क्या बात है, इमाम अकेला पगड़ी बांध दे? या फिर फिका में जो जुजियात हैं उनसे इस्तदलाल करे। इसलिए मेरे अजीजो, अगर सिर्फ फिका पढ़ोगे तो बिदात और खुराफात में मुब्तिला रहोगे। केराले में जाकर देखो सूरत हाल सवाब की क्या है, और अहनाफ में अल डिवाइडेशन हो गया, ये बरेली वाले देवबंद वाले वो खुराफा सब उनकी तरफ चली गई। जैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान बने तो सारे फितने पाकिस्तान में, देवबंद में कोई फितना, इंडिया में कोई फितना नहीं, ऐसे सब हनफी देवबंदी और बरेली में सब। इसलिए फिका के साथ हदीसें पढ़ो, और हदीसें कोई भी किताब नहीं, हदीस की किताबों के हजरत शाह वलीउल्लाह साहब अलैहिर्रहमान ने हुज्जतुल्लाह में 5 तबके बयान किए।
पहले तबके ने सिर्फ मुअत्ता और बुखारी मुस्लिम को लिया है, दूसरे ने सुन्नी अरबा को लिया है, और पांचवें तबके में तो कहा इसकी कोई हदीस सही है ही नहीं। लिहाजा सहा पढ़ो, फिका पढ़ो, सहा पढ़ो, उसके साथ अकॉर्डिंग फिका को करो। और कुरान करीम के बारे में तो ये तस्वूर कायम हो गया कि पढ़ने पढ़ाने की किताब नहीं, तफसीरें पढ़ो। अरे तफसीरों में तो गलत बातें आ गई, लिहाजा कुरान को बड़ा हिरासत सीखो और पढ़ो। हदीस शरीफ पढ़ने का हनफिया में तो अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद के बाद से खूब रिवाज चला है, लेकिन शवाफे में ये रिवाज बहुत कम है। और शवाफे अब भी फिक्र शाफी की किताबों ही को थामे हुए हैं, कुरान और सुन्नत को पढ़ते ही नहीं है। इसलिए मेरे अजीजो, मेहनत से कुतुब खमसा को, कुतुब सित्ता को पढ़ो और अपनी फिका को उसके साथ अकॉर्डिंग करो, तब जाकर बात बनेगी, वरना बात इस्लाह नहीं होगी। लोग खुराफात और बिदात में मुझे मेरे अजीज कायदा याद रखो, बात खत्म करें जल्दी से। तफसीरों में लिखी हुई बात सही उस वक्त है जब कुरान और सुन्नत के मुताबिक, और अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ तफसीरों में कोई बात लिखी का कोई एतबार नहीं। मैंने मिसाल दी कि सावी शाफई है, हाशिया जलालैन में जब जिदे लिखता है हुजूर आलिमुल गैब थे, हुजूर आलिमुल गैब थे, और कुरान क्या कहता है 21वें पारे के शुरू में, कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। कायनात में आसमानों और जमीनों में कोई गैब जानने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह। कुल ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह। मिसाल मारो, ऐसा गैब बताओ जिसको अल्लाह के अलावा कोई न जानता। वमा यशुरून अय्यान युबअथून, कोई मखलूक नहीं जानती कि कयामत कब आए। बल इद्दारा का इल्म हुम फिल आखिरा, उनका इल्म आखिरत के बारे में थक कर रह गया। इसराफील अलैहि सलाम को भी नहीं मालूम कि कयामत कब आए। अब कुरान तो ये कह रहा है, सावी ये कह रहा है, किसकी माने। इसी तरह फिका में जो बातें हैं कुरान और हदीस के अकॉर्डिंग है सर आप, और अगर कुरान और हदीस के अगेंस्ट है तो काला है बदबरी शेखावी, उसको लपेट कर रख देंगे। इसलिए जिस तरह से आप हजरात फिका मेहनत से पढ़ते हैं, कुरान भी मेहनत से पढ़ो, हदीसों को और हदीसों में से भी सेहा की जो हदीस है उनको मेहनत से पढ़ो। आज की सोहबत में यही एक बात कहनी थी, वक्त ज्यादा हो गया, आपने जो बाप पढ़ा आयत पढ़ी उसके बारे में अब मैं कुछ नहीं कहता हूँ। सीखना कहा तो बुखारी शरीफ गौर से तवज्जो से पढ़ो, और बाकी बातें उस्ताद साहब बयान करेंगे। जरूरी नहीं है कि सारी बातें मैं ही बयान करूँ, आखिर मैं सब बयान कर दूंगा तो उस्ताद साहब क्या करें। दुआ करो भाई, मैं केप टाउन में पहली मरतबा आया, यहाँ के अहवाल से इजावत वाकिफ नहीं हूँ। हमारे मोहतरम साहब और हमारे सदर मुदरी साहब की ये जिम्मेदारी कि मेरे सामने अपने मदरसे के अहवाल और मुख्तसर तारीफ दिया हम करते, तो मैं कुछ मदरसे के बारे में कहता। मगर जैसे गुजराती जलसा चलाना नहीं जानते, मालूम केप टाउन के लोग भी जलसा चलाना नहीं जानते। आने वाला मेहमान जब नया आया है हालात से वाकिफ नहीं है, उससे इस्तकबालिया तस्वीर होनी चाहिए, उसमें इदारे का तारुफ होना चाहिए, क्या इदारा है, क्या मिनहाज है, कब कायम हुआ, कितने तलबान है, क्या है। मेरे सामने कुछ नहीं बयान किया गया, इसलिए दुआ करो बगैर समझे, इदारे को समझे बगैर ही दुआ करो, हर बात समझना जरूरी थोड़ी। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
इसमें पढ़ने पढ़ाने वालों के इल्मों में बरकत पैदा फरमा, इन सबको इल्मे नाते अमले साले अता फरमा, या अल्लाह हमारे कामों में इखलास नसीब फरमा। या अल्लाह जो लोग इन इदारों की दामे दिरह में सुखन में कदम में मदद करते हैं, मेरे मौला सबके जान में आल में औलाद में बरकत पैदा फरमा। या अल्लाह हम आपसे इल्म नाते की दरख्वास्त करते हैं, हमें इल्म नाफे अता फरमा, अमल सालिक अता फरमा और हर फितने से हमारी हिफाजत फरमा। अरे मेरे मौला हमें अपने दीन के खिदमत के लिए कबूल फरमा, और जो कुछ छोटी छोटी खिदमतें हमसे हो रही हैं इनको कबूल फरमा और आगे बेहतर से बेहतर खिदमत के हमें तौफीक अता फरमा। अरे मेरे मौला हमारी मदद।